ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे मतलब कितने यार, 1,000 हो सकते हैं, 2,000 हो सकते हैं, उसी तरह से 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, कुल मिला के एन ब्लॉक्स हैं और स्मूथ टेबल पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऑब्वियसली एक कॉमन एक्सलेशन, सारे ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक को मैं एक मान लूँ तो ये कॉमन एक्सलेशन से, वैसे सारे कॉमन एक्सलेशन ए से इधर जाएंगे और ये बड़ा वाला ए से नीचे गिरेगा, मतलब हर एक ब्लॉक की एक्सलेशन ए होगी क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। तो जो एंथ ब्लॉक है, मतलब 20वां ब्लॉक है, 20वां, इस ब्लॉक में जो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है, उस टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है। बात समझ में आया? तो चलो अगर तुम इस पूरे को सबसे पहले कॉमन एक्सलेशन निकालो, तो अगर मैं इन सभी ब्लॉक को जोड़ देता हूँ तो 20 ब्लॉक है तो 20 m हो जाएंगे, मतलब ये दिस इज द टोटल मास ऑफ द स्मॉल स्मॉल ब्लॉक n m, और ये सारे एक यहाँ से पुली से अटैच हैं और ये पुली ऐसे यहाँ से पास होकर नीचे जा रही है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ये नीचे ए एक्सलेशन से गिर रहा और ए से इधर जा रहा है। तो ये अगर तुम देखोगे तो ये मास कैपिटल एम है यहाँ से। तो देखो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है टी है, इस वाले स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन टी है। तो इस वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ए एक्सलेशन से इधर जा रहा, तो इक्वेशन बनेगा टी इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, तो टू n m, और दैट इज ए, दैट इज एक्सलेशन टेंशन टी, ये वाली चीज़। अगर दूसरे इस वाले ब्लॉक का देखोगे, ये वाला ब्लॉक का अगर देखोगे यहाँ पे, तो अगर तुम देखोगे इस वाले ब्लॉक का तो इस वाले पे टेंशन टी ऊपर लगेगा और यहाँ से कैपिटल एम जी नीचे लगेगा, तो कैपिटल एम जी और टी नीचे आ नीचे रहा, तो एक कैपिटल एम जी और माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं कॉमन एक्सप्रेशन पहले निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो टी की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रख दो, तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम एन ए, यहाँ पे कैपिटल एम ए यहाँ से, तो यहाँ से कैपिटल एम जी बचा और ए यहाँ से कॉमन हो गया, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन और स्मॉल एम, तो कॉमन एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल एम जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन एम। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से, दैट इज़ द कॉमन एक्सलेशन। ये जो कॉमन एक्सलेशन है इसी से पूरा पूरा सिस्टम मूव करेगा यहाँ पे। अब तुम देखोगे एंथ वाला जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है उसमें, अगर सबसे लास्ट वाले ब्लॉक के बारे में सोचोगे तो देखो, अगर पहला वाला जो ब्लॉक है इसमें टेंशन टी वन मान लेता हूँ, तो इसमें टेंशन टी टू, तो इसमें टेंशन टी थ्री, और इसमें टेंशन टी फोर, तो उसी तरह से T5, T6, उसी तरह से इस वाले में टेंशन TN, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला ब्लॉक है, ये वाला जो लास्ट ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो लास्ट वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो लास्ट वाले ब्लॉक का कुछ ये हाल है, इसका मास स्मॉल m है, इस पे टेंशन TN लग रहा है जो कि हमें चाहिए, और ये कॉमन एक्सलेशन ए से आगे जा रहा होगा। जो फोर्स इस पे वर्टिकल में लग रहा है वो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे हमें ज़रूरत ही नहीं नॉर्मल और एम जी की। तो अगर मुझे टी एन की वैल्यू चाहिए, टी एन तो मास ऑफ द बॉडी एक्सलेशन ऑफ सिस्टम, ठीक ना। तो इसका मतलब भी हुआ कैपिटल एम स्मॉल एम जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम प्लस एन और स्मॉल एम, दिस इज द टेंशन इन लास्ट स्ट्रिंग, लास्ट वाली स्ट्रिंग या लास्ट ब्लॉक पे इतना फोर्स लग रहा होगा। मतलब अगर यहाँ से थर्ड वाले ब्लॉक पे टेंशन निकालोगे, थर्ड वाले ब्लॉक पे, तो यहाँ से मास ऑफ थर्ड ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, ठीक है। तो ये इस टाइप से, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, हमें लास्ट वाले चाहिए था, इस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे प्यारे बच्चों यहाँ से, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है गर्मी है, और इसी गर्मी में 2 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना अपना बहुत ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।